नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस में एक बार फिर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने कहा कि विद्युत विभाग में जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ भाजपा सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में 2010-11 से संविदा नियुक्ति प्रारंभ हुई है और वर्तमान में विद्युत विभाग में लगभग 6,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आरक्षण और भर्ती के नियमों को ध्यान में रखते हुए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती हुए हैं। विद्युत विभाग में काम कर रहे सभी संविदा इंजीनियर कर्मचारी नियमित पदों के विरुद्ध भर्ती हुए हैं। विद्युत विभाग निरंतर चलने वाला विभाग है। इस विभाग में नियमित अधिकारी कर्मचारी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार ने 6,000 पढ़े लिखे संविदा अधिकारी कर्मचारियों को अल्प वेतन भोग संविदा के रूप में रखे हुए हैं, जो सरासर शोषण और अत्याचार है। विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी कार्यप्रणाली जोखिम भरी हुई है। कई बार तो हमारे विद्युत संविदा कर्मी कार्य के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 200 से अधिक संविदा कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। मतलब ये योग्यता थी और युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, उन्होंने लिखित परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए, उसमें 6,000 लोग चयनित हुए। कुछ स्टेनोग्राफर भी थे, वो इसमें कुल लाकर 6,000 लोग चयनित हुए और वो काम करने लगे। लेकिन अब आप देखें, शिवराज जी ने भूमिका इसकी कैसे बनाई। जिस तरह से एक बीमा कंपनी होती, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो जब अपनी पॉलिसी बेचने के लिए जाती थी, कि आपको जानकारी होगी कि इंश्योरेंस में आज भी दो तरह के प्लान, एक ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, एक मार्केट से लिंक होते म्यूचुअल फंड होते हैं। ट्रेडिशनल में आपका फिक्स होता है कितना मिलना है, तो उन पर हम ना जाएं। जो म्यूचुअल फंड टाइप के होते हैं उसमें लिखा रहा होता है कि आपको 10,000 के 15,000 मिल सकते हैं, पक्का कुछ नहीं है, मिल सकते हैं। लेकिन शिवराज जी ने यहां कहा था आपकी परमानेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, उनको संविदा पर लिख कर दिया गया, संविदा पर। और आप देखें, आज लगभग 2013 से ये नियुक्तियां शुरू, 2013 में नियुक्तियां शुरू हुई, 2023 बीत गया, 2023 आ गया, 2022, लगभग 9 साल से वो लोग निरंतर जो है संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आप समझे, संविदा के तौर पर नियुक्त करने का मतलब कारण क्या था। कारण सिर्फ एक मात्र था कि आप संविदा पर उनको नियुक्त करोगे तो ना तो आपको उनको पेंशन देनी पड़ेगी, ना ही उसमें अनुकंपा नियुक्ति का कोई क्लॉज आता, संविदा जैसी बात आती है, और ना ही उसमें आप देखें कोई उनको मेडिकल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस कुछ देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस कारण से उन्होंने संविदा नियुक्तियाँ उनको दी। और आश्चर्य इस बात का आप देखें, ये जानते हुए भी कि बिजली विभाग जो होता है, एमपी बोर्ड, मतलब वो कितना खतरनाक उसका काम होता है। अगर आप देखें, 3-4 विभाग आज भी ऐसे हैं जिसमें बिजली विभाग हो गया आपका, नगर निगम हो, जब सी बेस साफ करते हैं, या स्वास्थ्य विभाग हो, जिनकी नौकरी 24 घंटे रहती है, तो उनको आपने इतने खतरे में डालकर, उसमें से आप सबसे बड़ी बात देखें, आपने संविदा नियुक्ति की। और आश्चर्य इस बात का देखेंगे, जब वो काम कर, इन पिछले 9 सालों में 200 लोग ऐसे भी हैं जिनकी ऑन ड्यूटी मौतें हो चुकी हैं। मतलब आप ये देखें, 200 लोगों के परिवार आज अपना लालन पालन करने के लिए बेघर हैं, ना तो उनको अनुकंपा नियुक्ति मिली क्योंकि संविदा थे, और ना ही उनको कोई लाभ मिला। आपके सामने भी मैंने अपनी बात रखी, वो जो 6,000 संविदा बिजली कर्मी हैं उनको लेकर 2011 से कुछ विज्ञापन, कुछ नियुक्तियों की बात कही गई थी, वो शुरू हुए थे 2011-12-13 निरंतर चले, वो नियुक्तियाँ 2013 में की गई। और सबसे आश्चर्य इस बात का है कि नियुक्तियाँ जो हुई थी उनमें विज्ञापन जो था वो परमानेंट नियुक्ति का था, लेकिन शिवराज जी ने उन लोगों के साथ धोखा किया, 6,000 लोगों के साथ धोखा किया, और वो परमानेंट नियुक्ति का बोल के आपने उनकी संविदा नियुक्ति कर दी। और ये बात आज की नहीं, इस बात को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे दुखद बात है कि मतलब आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपने परमानेंट नियुक्ति का बोलकर संविदा नियुक्ति, उन संविदा नियुक्ति में आप कई कर्मचारियों को बेनिफिट देने से बच जाते हो, जैसे ना तो आपको अनुकंपा नियुक्ति देना पड़ेगी, ना पेंशन देना पड़ेगा, ना बीमा देना पड़ेगा, ना मरने पर एक्सीडेंटल कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। ये सब आपको मालूम था कि इसमें खतरा है, आपने जानते बूझते उन 6,000 लोगों की जान को खतरे में डाला, और उसमें से 200 लोग काल के गाल में समा चुके, उनकी मौत हो चुकी, उनका परिवार अब दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मतलब उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो शिवराज सरकार है। उन्होंने जानते बूझते इन 6,000 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है,
तो आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ यही है। मैं निवेदन शिवराज जी से ही करता हूँ, शिवराज जी कृपया जो आपने आज तक 9 साल में पाप किए हैं उन पापों को थोड़ा बहुत धो लो। अभी 8 महीने बचे हैं, 3-4 महीने में अगर आप चाहो तो अपने उन पापों को थोड़ा सा धो सकते हो। जो संविदा बिजली कर्मी हैं उनको आप परमानेंट करो, और जो 200 लोग मारे गए हैं ऑन ड्यूटी उनके परिवारों की सुध लो, उनको अनुकंपा नियुक्ति दो, उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट दो। यही हमारा उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आई आप देखेंगे इस चीज़ को, इस विषय को निश्चित तौर पर हमारी पार्टी अपने वचन पत्र में निश्चित तौर पर इसको डालेगी। और हमारी सरकार आई तो कमलनाथ जी की जैसी कार्यशैली है, उन्होंने पहले भी हर वर्ग हर समाज के लिए काम किया है, वो आने वाले समय में भी करेंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।